ये बाप का है क्या, ये हैं ये बाप का है क्या? वो रोके हम, रोके हमको, हिम्मत है तो बेशर्मी की हद कर रहे इरफान तुम। ओवैसी साहब को क्या जरूरत था यहाँ आना? आपका पार्टी लड़ रहा है क्या? आप क्या समझिए बिहार है? बिहार में तो आप भट्टा बैठवा दिए, उत्तर प्रदेश में आप लुटिया डुबा दिए, आप चाह रहे एक सीट में क्या जाएगा आपका? नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। मांडर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए AIMIM पार्टी के प्रत्याशी देव कुमार धान के समर्थन में कल AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी झारखंड पहुंचे, जहां रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के बारे में कहा कि इरफान अंसारी ने बेशर्मी की हद पार कर दी है, झारखंड इरफान अंसारी के बाप का नहीं है। ओवैसी के इस बयान के बाद अब इरफान अंसारी ने भी एक बयान में कहा है कि झारखंड मेरे बाप की है, उन्होंने आंदोलन कर झारखंड को पहचान दिलाई है, लेकिन हैदराबाद ओवैसी के बाप का नहीं है, इसलिए ओवैसी बाप पर ना जाए। इतना ही नहीं, इरफान अंसारी ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के लिखे स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। देखें और क्या कुछ कहना है विधायक इरफान अंसारी का। इनके बाप का है क्या, ये हैं इनके बाप का है क्या? वो रोके हमको, हिम्मत है तो बेशर्मी की हद कर रहे हैं इरफान तुम। तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना था जब दो बच्चों की हत्या हो गई। तुम अगर कल बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो तुम बीजेपी में चले जाओगे। तुम एक मंत्री की पोस्ट के लिए तुम उन दो बच्चों की लाशों पर अपनी सियासी इमारत तामीर करना चाहते हो। ओवैसी साहब को क्या जरूरत था यहाँ आना? आपका पार्टी लड़ रहा है क्या? आप क्या समझिए बिहार है? बिहार में तो आप भट्टा बैठवा दिए, उत्तर प्रदेश में आप लुटिया डुबा दिए, आप चाह रहे एक सीट में क्या जाएगा आपका? बहुत बड़ा सेकुलर है आप। एयरपोर्ट पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उसको क्या कुछ है? देखिए ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे। याद रखिए मेरी बात सुनिए, इसकी जाँच मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है और हमें लगता है कहीं ना कहीं इस पर हमारे विपक्षी दलों का हाथ है। सर, ओवैसी साहब ने जो टिप्पणी की थी आपके खिलाफ में, क्या कुछ कहा? देखिए वो हमसे बड़े हैं और मैंने हमेशा उनको अपना गार्जियन माना है और मेरे पिताजी के साथ वो सांसद थे, मैं उनका चित्र से जानता हूँ। लेकिन इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं थी मुझे उनसे। वो इरफान अंसारी को अपना कंपेयर मानते हैं, ओवैसी साहब जो हैं वो बीजेपी का स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो बीजेपी के इशारे पे चलते हैं और इरफान अंसारी नहीं चलता। झारखंड इरफान अंसारी के बाप की है, मेरे पिताजी का त्याग है तब झारखंड लिया गया, और हैदराबाद उनके बाप का नहीं है। इसलिए माँ बाप पे मत जाइए ओवैसी साहब, बेहतर यही होगा, आपका सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत को बचा के रखिए, लोगों को फूट में मत डालिए। आज हमारे अल्पसंख्यक भाई बिहार में क्या हंस रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हंस रहे हैं, घर से घर उड़ा दे रहा है ये भाजपा के लोग। वहाँ आप बोल नहीं सकते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, गोली चलती है यहाँ अल्पसंख्यक के सीने में, हमारा अल्पसंख्यक मरता है और ओवैसी भाई की गोली लगी पीछे से, सारा संयंत्र करके वोट ले लेते हैं ये और फिर हम लोग भाजपा के आगे मोहताज हो जाएंगे, ये नहीं चलने देंगे। एक सवाल होता है, इससे पिछले बार भी उपचुनाव हुए थे झारखंड में, बोकारो हुए थे, मधुपुर में चल रहा, अभी मांडर में हाल में मांडर उपचुनाव हो रहा है, तो आखिर ओवैसी साहब मांडर ही क्यों घुस रहे हैं? घुस गए आप क्या घुसेंगे, घुस गए ना क्या उसका नीति? तो देखिए उनको मैं कहूँगा कि कम से कम भाजपा के इशारे पे मत चलिए, उनको मालूम है एक सीट कितना महत्वपूर्ण है यहाँ, ठीक है, और ये सीट कांग्रेस की सीट है, बंधुदा की सीट है, महज एक औपचारिक है। जनता से मैंने जो व्यू लिया है, सारे लोग मन बना लिए हैं कि 5 साल के लिए विधायक बनाया जनता, 6 लाख के लिए सस्ता चली जा रही है, नहीं समझ में आ रहा है आपको? ये लोग देख रहे हैं और निश्चित तौर पर यहाँ के लोग काफी समझदार हैं। तो अभी आपने सुना जामतारा के विधायक इरफान अंसारी का बयान, जिन्होंने जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा इरफान अंसारी के लिए जो बयान कही गई थी उसका पलटवार किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भाजपा के नक्शे कदम पर ओवैसी चलते हैं। तो ये मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप देख सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चे हो रहे हैं और लगातार घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। वैसे में देखना होगा कि जो ये चुनाव होने वाला है, आगामी उपचुनाव में किसकी जीत होती है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ, धन्यवाद।